अपनी अपनी वीडियो बंद कर लेना बेटा। ये कुछ बच्चे कर लें, नोट कर लें अपने आप। देखो कल एक तो ये फोर्थ क्वेश्चन था, ये हमने गलती से इंक्रीज पे निशान लगा दिया, ये डिक्रीज होना चाहिए था एरिया, क्योंकि लेंथ घटेगी तो एरिया भी घटेगा, हमने वो इंक्रीज कर दिया था, क्या हुआ वो डिक्रीज होना था। अच्छा अब हम हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। यहाँ ये कहता है इफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन द लेंथ्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। ये कहता है कोई ट्राइंगल है, और उसकी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होती है बेटा, ऊंचाइयां, ये जैसे एक ये एल्टीट्यूड है, तीन एल्टीट्यूड होती हैं, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन जो इंटरसेक्ट करती हैं, सेंट्रोइड, क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। मीडियन होता है मिड पॉइंट को, जैसे इसका मिड पॉइंट है, इसको मिला दें, ये डी मिड पॉइंट है, तो एक मीडियन ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, ये तीनों एक ही पॉइंट को काटती है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। मीडियन का इंटरसेक्शन सेंट्रोइड। एल्टीट्यूड्स, ये क्या है तुम्हारी एल्टीट्यूड्स, ऊंचाइयां। एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, कई बार पूछ लेता है। राइट बाईसेक्टर्स, राइट बाईसेक्टर्स क्या होते हैं, जो सीधे भी खड़े हों और आधे भी करते हों ऐसे, ये जरूरी नहीं है इससे निकले, ये 90 डिग्री पे भी हो और आधा आधा भी करता हो, तो इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है, किसका इंटरसेक्शन होता है, ये राइट बाईसेक्टर्स का, लंब समद्विभाजक, हिंदी में बोलते हैं लंब, राइट का मतलब लंब खड़ा हो, बाईसेक्टर का मतलब समद्विभाजक, बराबर बराबर हिस्से करता हो, प्रकार आधे से ज्यादा खोल ले, इधर से खोल ले, जब वो एक होता है इन सेंटर, ये इंटरनल बाईसेक्टर्स जो एंगल के, एंगल का आधा कर दो, इस एंगल का भी आधा कर दो, जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, इन सेंटर, इंटरनल एंगल बाईसेक्टर। तो मीडियन का इंटरसेक्शन सेंट्रोइड, मीडियन क्या होती है, मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिला दो। राइट बाईसेक्टर्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, सर्कम सेंटर, क्योंकि एक सर्कल को, सर्कल सर्कम करता है इसको, और ये किसका इंटरसेक्शन होता है, राइट बाईसेक्टर्स का, और एंगल बाईसेक्टर्स को जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, और जहाँ एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये दो पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के। अब इसने क्या कहा है, जो ऊंचाइयाँ हैं ना उनका अनुपात है, एक का दो ले लिया, ये दो ले ली, ये तीन ले ली, ये चार ले ली, तो अब कहता है भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ए बी का, बी सी का और सी डी का। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी बताए मेरे को, जो बेसिक फार्मूला है हमारा, सर 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस बीसी है तो हाइट तुम्हारी ये तीन वाली है, और बेस कोई सा भी ले सकते हैं, एसी लेंगे तो हाइट कौन सी है तुम्हारी, दो वाली है,
ऐसे ही अगर हम ए बी को बेस लेते हैं तो तुम्हारी हाइट कौन सी मानी जाएगी, चार वाली मानी जाएगी। तो हम हर एक भुजा को निकाल लेते हैं, फिर इनका अनुपात निकाल लेंगे। एरिया हमने डेल्टा ले लिया 1/2, बेस ले लिया हमने बी सी, तो हाइट कितनी ली जाएगी 3। तो बी सी कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डेल्टा, 3 मल्टीप्लाई इधर आके भाग हो जाएगा बी सी। तो बी सी कितना आ गया हमारा 2 डेल्टा/3। ऐसे ही AC को भी कैसे निकालेंगे, एरिया डेल्टा हो गया 1/2 AC, और हाइट कितनी ली जाएगी अब की बार इसकी 2, तो AC कितना हो जाएगा 2 डेल्टा/2। इसी तरह से तुम्हारा AB कैसे निकलेगा बेटा, 1/2 AB, और हाइट कितनी ली जाएगी अब की बार इसकी 4, तो AB कितना हो गया 2 डेल्टा/4। अब रेशियो निकाल लो, BC is to AC is to AB, 2 डेल्टा/3, 2 डेल्टा/2, 2 डेल्टा/4। 2 कट गया सब में, डेल्टा कट गया सब में, तो 1/3, 1/2, 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 4, तो कितना हो जाएगा 4, 6 और 3। तो जो पहले एल्टीट्यूड तुम्हारे पास क्या थी बेटा 2, तो इसका कोरस्पोंडिंग हाइट तुम्हारी कितनी आई है 6, इसकी साइड कितनी आई है 6, 3 वाले की कितनी आई है 4, और 4 वाले की कितनी आई है 3। तो रेशियो क्या हो जाएगा 6:4:3, ये आंसर हो जाएगा, तुम्हारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं फिर समझा देता हूँ, यहाँ पे एल्टीट्यूड्स जो है वो दे रखी हैं 2:3:4 में, ये एल्टीट्यूड 2 ले ली, एक 3 ले ली, एक 4 ले ली। एरिया का कॉन्सेप्ट लेके, एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एक बार हाइट हम 2 वाली यूज करेंगे, एक बार हाइट 3 वाली यूज करेंगे, एक बार हाइट हम 4 वाली यूज करेंगे। तो हमने 3 वाली यूज की, तो बी सी आ गया यहाँ से 2 डेल्टा/3, ऐसे ए सी क्या आ जाएगा 2 डेल्टा/2, एक आ जाएगा 2 डेल्टा/4। तो इनका हमने अनुपात निकाल लिया, अनुपात में काट देते हैं हम रेशियो में। तो समझ आ गया होगा ये बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दिया करो। भारती हो गया क्लियर बेटा, चलें आगे। यस सर। ए बैग कंटेन्स RS 225, कितने रुपये रखें किसी बैग के अंदर, और उसमें 1 रुपये क्वाइन है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनकी संख्या का रेशियो बताया उसने 3:4:5। तो पैसे की का रेशियो कितना हो जाए रुपीज का, भाई 3 सिक्के हैं 1-1 रुपये के, तो रुपये कितने बन गए इनके, कितने रुपये बने बेटा, 3 रुपये तो बने भाई, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 3, तो रुपये कितने बने 3, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपये कितने बने, बनेंगे बेटा
2 रुपये बनेंगे, 3 रुपये बनेंगे, 1 रुपये बनेंगे, 50 अठन्नी, 4 अठन्नी है तुम्हारे पास, अर्श बता भाई एक बार। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने? सर 2 रुपए। 2 रुपए। ऐसे ही 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने? 1 रुपया 25 पैसे ऐसे लिखेंगे 1.25। तो ये तो है बेटा उनकी नंबर का रेशियो, नंबर का मतलब उनकी संख्याओं का रेशियो, ये है वैल्यू का रेशियो। वैल्यू कितनी होगी? 3 रुपये होगी इसकी, 2 रुपये होगी इसकी, 1.25 रुपये होगी। तो अब हमने इनका रेशियो निकालना है मनी का, वैल्यू का, 3:2, और ये क्या हो जाए 125/100, क्योंकि यहाँ पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट हटना हो, 2 की जगह 0 और 5 की जगह 0, और एलसीएम लेके फिर हम छोड़ देते हैं रेशियो के अंदर। कितना एलसीएम आ गया? 100। यहाँ कितना हो जाएगा? 300। यहाँ कितना हो जाएगा? 200। यहाँ कितना हो जाएगा? 125। तो रेशियो कितना आ गया फाइनली? 300, 200, 125। काट लो, 25 एकम 25, 5 बच गया, 25 दूनी 50, 25 8 200 और 25 5 125, तो 12:8:5। तो ये तो हुआ रेशियो। सम ऑफ रेशियोज क्या हो जाएगा? अनुपाती योग, 12 जमा 8 जमा 5। जैसे हमने 1 रुपये की बताने हैं कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 12/2 टोटल, 12 और 8 20 और 5 25। तो अब हमने बताना है इसमें, तो थैली में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? हमने देखो ये है, ए बैग कंटेन्स इतने फॉर्मेट, 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का, 25 का रेशियो ये है। तो हमने बताना 25 पैसे कॉइन कितने हैं, तो 25 पैसे का हम ये देख लेंगे वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे 5 है और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 25। और किसको बांटना है? 225 को, तो 25 × 225, तो 9×5 45, 45 रुपये हैं। 45 रुपये की क्या हैं वो? 25 पैसे के सिक्के की वैल्यू है। तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 1 रुपये में होते हैं 4, तो 45 रुपये में कितने हो गए बेटा? 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 45 रुपये हम कितने हो जाएंगे? कितने होंगे बेटा? 45 × 4 गुणा कर लेंगे उसको, 4×5 20, 4×4 16 और 2×18। तो कितने सिक्के हैं वो? 180 सिक्के हैं। ठीक है, फिर समझ लो, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, बैग में मनी मिलेगा टोटल और इन सिक्कों की, 20 पैसे के सिक्के भी हो सकते हैं, 10 पैसे के सिक्के भी हो सकते हैं, 10 पैसे के सिक्के होते तो हमने उसके रुपए बनाने के लिए कितना 1/10 करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे 25 पैसे का सिक्का है तो 25/100 कितना हो गया? 1/4 से हमने गुणा करना पड़ता, तो 5/4 जो है वो इतना ही आएगा। तो ये रुपये बनाने आने चाहिए, 50 मान लेते हैं 10 पैसे का सिक्का है और तुमने रुपये बनाने हैं तो उसको किससे गुणा करेंगे? मान लेते हैं 5 सिक्के हैं वो, तो रुपये बनाने हैं तो क्या करेंगे? 10/100 × 5 ये आएगा, यानी कि उस 50/100 × 4 कितना आएगा? 2 आएगा।
25 बटे में 100 गुना 5 कितना आएगा, 1.25 आएगा, यो 1 रुपये का था ही। तो उनकी वैल्यू का रेशो निकाल लो। वैल्यू का रेशो निकालने के बाद टोटल रेशो देख लो, सम ऑफ रेशियोज, वो 25 आया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी भी और इसकी भी, लेकिन वो इसकी चाह रहा था 25 पैसे वाले की, तो क्या होगी, 5 डिवाइडेड बाई टोटल, और टोटल मनी कितना था 225, तो 45 रुपये आ गए। ये 54 मिलके बनाते हैं 25 पैसे के सिक्के। तो इसने पूछा है कितने सिक्के हैं 25 पैसे के, तो एक में होते हैं 4, 45, और 50 पैसे के सिक्के पूछता तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, वो 2, तो 45 में कितने हो जाते हैं, 90, और रुपए के पूछता 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाता, 45 ही हो जाता है। इसमें समझ रहे हो बात को, तो ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आगे चलें। तुषार समझ में आ गया भाई? और जिनका समझ में ना आओ वह भी लगे रहो, धीरे धीरे ये रिपीट होने लग जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 to 500 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13, एक और 500 के बीच में कितने नंबर हैं जो 13 से भाग होते हैं, तो पहली संख्या क्या है 13, अगली क्या है 26, उससे अगली क्या है 39, उससे अगली क्या है 52, और लास्ट वाली क्या है 500 को 13 से भाग दे लो। तेरह तीय 39, और कितने पे जाएगा अब 13 7 91, और 13 8 104, 6 बच गए, तो 500 में से 6 घटा दो, चार सौ 94 लास्ट है, 494 क्या है लास्ट है जो 13 से भाग होता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, आगे इतने से इतने में 3 से भाग होने वाले बताओ, 4 से भाग होने वाले बताओ, 5 से, अब इसने किससे पूछा 13 से। अगर 5 से भाग होने वाले पूछते तो क्या क्या होते, 5 होता, 10 होता, 15 होता, फिर लास्ट वाला देखते हैं। अब 13 का पहले 13 है, 26 है, 39 है, 52 ऐसे है, तो ये एक एपी बनती है, तो इसकी टीएन हमारे पास ये है। टीएन का फार्मूला क्या है, दसवीं में क्या बताया था भारती, बताना एक बार सर, ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन इंटू डी। ये चैप्टर पूरा इस दो फार्मूले पे हो जाए, एक तो एस एन पे और एक टी एन पे, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का मतलब होता है nth टर्म, कौन सी टर्म है, a होती है फर्स्ट टर्म, a यहाँ पे क्या है 13, a होती है फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, अगली टर्म में से पिछली घटा दो, 26 में से 13 घटा दिया, तो a भी 13 है यहाँ पे, d भी 13 है, n निकालना, और टी एन तुम्हारी क्या है 494। जिसने टी एन एस एन का ज्ञान नहीं है वो भी समझ सकता है इसमें, टी एन क्या होती है, ये ए पी क्या होती है, अगर एक संख्या को ऐड करते चले जाएं हम, जैसे यहाँ 13 को ऐड करते चले गए, तो ऐसी क्या होती है ए पी, तो ए पी में दो ही बातें पूछता है, कौन सी टर्म है या इनका जोड़, जोड़ हो तो एस एन वाला फार्मूला यूज होता है, कौन सी टर्म है तो टी एन वाला प्रयोग होता है। टी एन को मैंने सिंपल तरीके से बताया था, टी टू क्या हो जाएगा ए प्लस डी, यहाँ ए कम लिखना है, टी थ्री क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, टी फोर क्या हो जाएगा
ए प्लस थ्री डी, टी फाइव क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी, टी सिक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस फाइव डी, ऐसे। यानी कि यहाँ एन है तो यहाँ उससे कम, तो टी एन हमारा कितना है 494। तो अब एन निकालेंगे हम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 13 जमा एन माइनस वन गुणा में 13 494। तो 13 को कॉमन ले लो, एक जमा एन माइनस वन 494, एक से एक कट गया, तो 13n बराबर है 494, और n कितना हो जाएगा 494 बटे में 13, तो 13 तिया 39, ठीक है, और 13 अट्ठे 104, 38 आ जाएंगे। तो कितने नंबर हैं वो संख्याएं 13 से भाग होने वाले 38 संख्याएं। तो मैं फिर समझा देता हूँ एक बार कैसे होता है इन क्वेश्चंस में। ये कहेगा कि इतने इतने तक ये बताओ, दो से भाग होने वाले, चार से भाग होने वाले, जैसे यहाँ पूछा है 13 से भाग होने वाले, तो पहली संख्या लिख लो जो 13 से भाग होती है वो 13, अगली लिख ली 26, और 500 से पहले, जस्ट पहले, तो 500 को किससे भाग कर लें 13 से, जो शेष बचा उसको घटा दें, तो ये संख्या 13 से एग्जैक्टली भाग होगी 494। इसको टी एन ले लो, टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए क्या होती है पहली टर्म, डी क्या होती है अगली में से पिछली घटा दो, तो 13 जमा एन माइनस वन 13, 13 कॉमन आ गया, एक जमा एन माइनस वन एक से एक कट गया, 494 को 13 से भाग दे दिया, 38 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दसवां क्वेश्चन है बेटा, 300 इफ 391 इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शंस, रेशो दे दिया 1/2, 2/3 = 3। तो फर्स्ट पार्ट पूछा है इसने इसका, तो पहले रेशो को सही तरीके से कर लो, किसको डिवाइड करना है 391 को, तो रेशियो को कैसे ठीक करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 2 और 3 का एलसीएम तुषार कितना होगा 2 और 3 का एलसीएम, 6। तो 6 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 3, 3 को ऊपर गुणा करेंगे, फिर 6 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 2, फिर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 6 को किससे डिवाइड करेंगे 1 से, 6 आएगा, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो रेशियो क्या हुआ, हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं एलसीएम को, रेशियोज में 3:4:18, जब तक सीधा पादरा रेशियो नहीं आ लेता इतना हमने ये कार्रवाई करनी है। अब सम ऑफ रेशियोज क्या होगा, थ्री प्लस फोर प्लस 18, 4 × 3 = 7 और 18 = 25, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 3/25 और इनटू जिसको डिवाइड करना है 391, अब जो भी आएगा ये वो आंसर होगा, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि कट नहीं रहा है ना ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये अगर कटता तो इनमें से होता 150 160 180 में से, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन था, रेशियोज दे रखे हैं तो सम ऑफ रेशियोज निकालो। फर्स्ट पार्ट चाहिए तो फर्स्ट रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू में रुपीज। फिर अगर दूसरे का पूछता तो 4/425 और 391, और तीसरे का पूछता था 18/25 और इनटू में 391। ये होता है तरीका। उसके बाद यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है। इन ए स्कूल देर आर 5 टीचर्स, 5 टीचर हैं किसी स्कूल में। ए एंड बी आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ए जो है क्या पढ़ाता है, हिंदी भी पढ़ाता है इंग्लिश भी पढ़ाता है। ए के आगे लिख लो क्या क्या पढ़ाया उसने, हिंदी इंग्लिश। बी ने क्या पढ़ाया, हिंदी इंग्लिश। अच्छा, सी एंड बी आर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। बी में इंग्लिश तो पहले आ लिया, और क्या आ गया, ज्योग्राफी। सी क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश और ज्योग्राफी। उसके बाद डी एंड ए आर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी। डी क्या पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स हिंदी, और ए क्या पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़ा रहा है यहाँ पे, मैथमेटिक्स और हिंदी। तो ए में जो है वो हिंदी तो पहले रख रखा है, मैथ और लिख देते हैं। फिर है ई एंड बी, ई भी रह गया। ई एंड बी आर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, हिस्ट्री और फ्रेंच एफ, और बी के आगे हिस्ट्री तो पहले पढ़ा हुआ, फ्रेंच और हो जाएगी। ठीक है, हिंदी पढ़ा रहा था तो हिस्ट्री अलग से भी आ जाएगा इसका। तो अब क्वेश्चंस देखो, हु अमंग द टीचर्स वाज टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहा है, ए पढ़ा रहा है, बी पढ़ा रहा है, सी पढ़ा रहा है, डी पढ़ा रहा है, या ई पढ़ा रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, बी, क्योंकि बी हिंदी भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी, ज्योग्राफी भी, फ्रेंच भी और हिस्ट्री भी। समझ आ रही है ना बात, जैसे जैसे जो स्टेप होते हैं, लैंग्वेज होती है, उसके हिसाब से एक डायग्राम सा बना लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वाज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी। ज्योग्राफी और हिंदी कौन सा पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी और हिंदी हो गया। बी जो है ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है और हिंदी भी पढ़ा रहा है, और कौन सा पढ़ा रहा है, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाए, क्योंकि ज्योग्राफी सी तो पढ़ाता है लेकिन वो इंग्लिश और पढ़ाता है, तो हिंदी और ज्योग्राफी का कोई नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि दो तो पढ़ा ही नहीं रहे। ज्योग्राफी तो पढ़ा रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ा रहे। अब देखो 13वां क्वेश्चन। तो ये रीजनिंग का था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपने क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ना है, मैं पीडीएफ भेजूंगा उससे मैच कर लेना, फिर भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। अब यहाँ पे देखो, इन ए रो एट ए बस स्टॉप ए इज 7th फ्रॉम लेफ्ट। ए जो है वो लेफ्ट से इधर से किस पोजीशन पे है, 7th पे है, एंड बी इज 9th फ्रॉम राइट। और बी क्या है बेटा, वो 9th पे है पोजीशन पे राइट से। दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजिशन, वो अब इंटरचेंज कर लेते हैं, ए तो बी पे चला जाता है और बी ए पे आ जाता है।
तो ए बिकम्स 11th फ्रॉम लेफ्ट, ये जो है 11th हो जाता है इधर से, जो इधर से 9th पे था वो किस पे हो जाता है अब 11वें पे इधर से। तो कहता है हाउ मैनी पीपल्स, उसमें कितने आदमी हैं, तो ये tn का है बेटा। अगर हमारे पास कोई संख्या है जैसे एक से लेकर, एक ले लिया, दो ले लिया, तीन, इसमें से एक फॉर्मूला निकलेगा। ए है 7th पे, ये होगा ठीक है, और बी है 9th पे, लेकिन जब इंटरचेंज करता है तो 11वें पे हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे है वो बी, और बी इधर से जो है वो किस पोजीशन पे था 9th, तो 9 गिन लो आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 20, तो उसमें इसका मतलब कितना हुआ 20 होगी, समझ रहे हो बात को। ए 7th पे था, बी इधर से 9th पे था, लेकिन जब इंटरचेंज किया ए बी पे चला गया, बी ए पे आ गया, तो ए यहाँ पे आ गया, तब उसने बताया इस एंड से वो 11वें पोजीशन पे है, तो बी पहले क्या था इधर से 9th पे था, तो 9 और आगे गिन लो, तो टोटल कितने हुए 20 हुए। तो इसका मतलब रूल क्या हुआ, बी की दोनों पोजीशन देखो 9 प्लस में 11 कितना आ गया 20। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या की, किसी भी पोजीशन की, हमें इधर से भी पोजीशन का पता है और इधर से भी पोजीशन का पता है, तो दोनों को जोड़ दो वो आंसर आ जाएगा, 9 प्लस में 11 कितना हो गया 20 हो गया, तो उसमें टोटल कितने थे हमारे पास 20 थे, सी जो है क्या हो जाएगा ये 20, तो रूल हो गया ये भी। रूल क्या है, आप इधर से भी पोजीशन गिन लो और इधर से भी गिन लो और दोनों को जोड़ दो। उसके बाद ये कहता है देर आर 6 हाउसेज इन ए रो, किसी रो के अंदर 6 घर हैं, मिस्टर लाल हैज मिस्टर बसीन एंड मिस्टर सचदेवा आर नेबर्स, कोई रो बना लो, हर एक क्वेश्चन में रफ फिगर बनानी है तुमने और पूरी स्टेटमेंट को पढ़ो। लाल है, एक बसीन है और एक सचदेवा है, ये कहता है नेबर्स हैं, तीनों पड़ोसी हैं, इसका मतलब लाइन में है, एक में पास पास हैं। भाटिया हैज गुप्ता एंड शर्मा एज नेबर्स, भाटिया गुप्ता और शर्मा इकट्ठे हैं, गुप्ता हाउस इज नेक्स्ट टू बसीन, गुप्ता से अगला मकान किसका है, बसीन का है, और ससदेवा एंड मिस्टर शर्मा डज नॉट लिव नेक्स्ट टू मिस्टर ससदेवा, हु आर मिस्टर बसीन्स नेक्स्ट डोर नेबर्स। तो देखो गुप्ता हाउस इज नेक्स्ट टू बसीन ले लो, गुप्ता का हाउस जो है वो बसीन से अगला है, ये बसीन हो गया। अब बसीन के पड़ोसी कौन कौन से थे, लाल और सचदेवा, बसीन के जो है लाल और कौन से हैं, सचदेवा है, तो लाल हम इधर लें तो इधर क्या आएगा सचदेवा, तो यहाँ और का ऑप्शन दिया हुआ था, गुप्ता का जो अगला हाउस है वो किसका है, बसीन का या सचदेवा का, तो हम किसका ले लेंगे, अब सचदेवा ले लो इसको बेटा, अपने आप को साइलेंट कर लो। गुप्ता हाउस इज नेक्स्ट टू मिस्टर बसीन और सचदेवा, हमने सचदेवा का ले लिया,
अब ससदेवा, बसीन और लाल ये क्या हैं? पड़ोसी हैं। ससदेवा के बसीन, लाल और ससदेवा, ठीक है। और कौन कौन से थे? गुप्ता, उसी और गुप्ता, शर्मा और भाटिया। गुप्ता, शर्मा और भाटिया, ये शर्मा हो गया और ये भाटिया हो गया। अब इसने पूछा है हु आर मिस्टर बसीन्स नेक्स्ट डोर नेबर्स। बसीन के जो नेक्स्ट डोर नेबर्स कौन कौन से हैं? ससदेवा और गुप्ता हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लाल और गुप्ता का, और क्या दिया हुआ है? लाल और ससदेवा का, लाल और शर्मा का, शर्मा और गुप्ता का। तो शर्मा और गुप्ता का हो सकता है इसमें। और इसको ध्यान से देख लेना बेटा, एक बार समझ लेना अच्छी तरह से, इसमें कोई लूप होल हो तो देख लेना, ठीक है। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग का है। तो इसकी ध्यान से एक बार फिगर बना लोगे, जैसे और दिया हुआ था ना इसमें, मैंने ससदेवा का बना लिया तो बसीन का बना लेना एक बार। 15th देखो। A Swiss watch is being shown in a museum which has a very peculiar property. It gains as much in the day as it loses during the night between 8 p.m. to 8 a.m. एक स्विस घड़ी है और वो म्यूजियम में रखी हुई है, और ये खास घड़ी है। ये कहता है जितनी दिन में आगे चलती है रात में उतनी पीछे हो जाती है, 8 बजे से और सुबह के 8 बजे तक। ठीक है, ये 8 बजे, 8 PM टू 8 AM। इन ए वीक हाउ मैनी टाइम्स विल द क्लॉक शो द करेक्ट टाइम। तो कहता है वीक में वो कितनी बार जो है ठीक टाइम दिखाएगी। तो देखो, 8 बेटा, हम इस क्वेश्चन पे थे जो 8 PM से 8 AM में जितनी आगे होती है उतनी पीछे हो जाती है। तो इसका मतलब 24 घंटे में उसने टाइम कितना दिखाया? एक बार ठीक दिखाया। तो कितने दिन जो है वो एक वीक में कितने दिन हुए? 7 दिन हुए ना, तो 7 दिन वो टाइम ठीक दिखाएगी, और लास्ट वाले दिन 8 बजे फिर दिखाएगी वो एक ठीक। तो 7+1 8 times जो है वो क्या दिखाएगी? टाइम को सही दिखाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा 8 times। उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन रीजनिंग का है, यहाँ 2 है, एरो है 2, और फिर एक ऐसा एरो है और 4 है, फिर 4 है, एक ऐसा एरो है 2 है, और फिर एक ऐसा एरो है 8 है, और आंसर है 2। तो कहता है 6 एरो 2 और इस तरह का एरो है 4, तो इसका आंसर बताओ। तो देखो 2 और 2 का क्या ऑपरेशन करें, और फिर वो ऑपरेशन हो 4 के साथ 1 आए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2 की पावर 2 कर दें हम और भाग में 4, क्योंकि भाग पहले हल होता है, तो गुणा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये आ नहीं पाएगा। तो 4 भाग में 4 कितना हो गया? 1। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 4 की पावर 2 भाग में 8। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 2 आ जाएगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है।
ऐसे ही 6 की पावर 2 और भाग में 4, 6 की पावर 2 कितना होता है, 6 छीक 36, भाग में 4 तो कितना आ जाएगा, ये 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये ऑप्शन। उसके बाद इन्हें क्लास विद्या रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, टॉप हम यहाँ से ले लेते हैं कि क्या पोजीशन है उसकी, 7th है विद्या की। दिव्या इज 7th रैंक्स ए हेड ऑफ दिव्या इज 7th रैंक्स ए हेड ऑफ मेधा एंड 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या। विद्या के 3 पीछे 10वें पोजीशन पे है दिव्या एंड 7 रैंक्स ए हेड ऑफ मेधा, और मेधा से कितने आगे है वो, 7 रैंक। तो कितना हो जाएगा ये, इन ए क्लास विद्या रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, ठीक हो गया। दिव्या इज 7 रैंक्स ए हेड ऑफ मेधा एंड 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या, 10वीं पोजीशन पे होगी। दिव्या इज 7th रैंक्स ए हेड ऑफ मेधा, मेधा आगे जो है इससे 7 और कौन से पोजीशन पे हो जाएगी, 17 पे। सुषमा हु इज 4th फ्रॉम बॉटम इज 32 रैंक्स बिहाइंड मेधा, मेधा अब यहाँ पे है तो ये कितने और चली जाएगी नीचे, 32, तो 32 हम और जोड़ें इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, 49th पोजीशन पे है ये, और नीचे से 4th पोजीशन पे है, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 4th पोजीशन पे आएंगे ना, तो एक कम जाएगा बेटा इसमें, 49 प्लस 4 माइनस 1 ये कितने पे हो जाएगा, 53 माइनस 1 52 हो जाएंगे टोटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52, क्योंकि इसके जो चौथे पोजीशन पर और इधर से जो है ये 49वीं पोजीशन पे। तो फिर समझ लें, विद्या जो है 7वीं पोजीशन पे है, उसके 3 नीचे दिव्या है, दिव्या से 7 आगे मेघा है, मेघा के आगे एक सुषमा है जो कि 32 रैंक आगे है, तो 49 हो गया। लेकिन ये नीचे से जो है बॉटम से कितनी है, 4 ऊपर है, तो कुल मिला के कितने हो गए इसके अंदर, 52 माने गए। 18वां देखो, टू वायर्स 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लेंथ आर टू बी कट इन स्मॉलर पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर पीस। जब मैक्सिमम लेंथ निकालनी हो तो एचसीएफ निकालते हैं, तो 15 का और 25 का एलसीएफ एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 5 आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन मेथड से, तो 5 आंसर आ जाएगा। जब लिस्ट पूछे तो एलसीएम लेना है, मैक्सिमम पूछे तो एचसीएफ निकालना होता है। तो ये मैक्सिमम लेंथ का जो है पूछा था इसने पीस, तो वो क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स का सवाल, अर्थमेटिक का, मीन ऑफ सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉयज इज 5,000, ये मीन का आ गया क्वेश्चन। मीन ऑफ 10 एम्प्लॉयज, 10 एम्प्लॉय हैं, तो इनका मीन जो है वो कितना है, 5,000 है, तो टोटल सैलरी कितनी हुई इनकी, 50,000, क्योंकि 10 से गुणा कर लेंगे उसको। आगे पढ़ो,
इफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज आर 3,000 है, एक की 4,000 है, एक की 5,000 है, एक की 6,000 है, एक की एक्स है, एक की 7,000 है, एक की 8,000 है, एक की 3,800, एक की 2,200, एक की 9,000, तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो बाकी का जोड़ जो है हम 50,000 में से घटा देंगे, ये कितना हो गया, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, 33 और 9 42, और 42,000 में 3,800 और 2,200 कितना हो जाएगा बेटा, 6,000, 42 में 6 और जोड़ दो 48,000, तो हम क्या घटा देंगे इसमें से, 48,000 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 2,000 बच जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2,000। तो बहुत सिंपल था। फिर देख लो, 10 कर्मचारियों की तनख्वाह का मीन 5,000 है, तो टोटल कितना हुआ, 10 × 5,000, 50,000 हुआ टोटल उनका। मीन का मतलब है हर एक की बराबर वैल्यू आई 5,000, तो 10 थे तो 10 आई कितनी होगी, 50,000। इब अलग अलग बता रहा है वो, पहले की 3,000, अगले की 4,000, अगले की 5,000, एक की एक्स है बीच में, इन सब का टोटल जोड़ कितना होना चाहिए था, 50,000, तो हमने एक्स को छोड़ के बाकी का जोड़ किया तो वो आता है 48,000, तो एक्स कितना बच गया यहाँ पे, 2,000। अच्छा, रेडियाई ऑफ टू कॉन्स, दो कोन है हमारे पास, इनके रेडियाई का जो रेशियो है वो है 3:1, तो पहले का रेडियस कितना हो गया, 3 के, और इसका कितना हो जाएगा, के, के से गुणा कर लो, और हाइट का रेशियो है 1:3, तो ये हो जाएगा 1x, और ये कितना हो जाएगा, 3x। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बेटा, कोई भी बताए, कल मैंने लिखवाया था 1/3 πr²h, तो दोनों के निकाल लो, इसका हो गया 1/3 πr, आर कितना है इसका, 3 के, और एच कितना है, एक्स, और अगले का कितना हो जाएगा, 1/3, आर कितना है, के, के का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 3x, तो x से x कट जाएगा रेशियो में, 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये आ गया 9k², और ये क्या आ गया, k² और इंटू में 3, k² से k² भी कट गया, 3 × 3 = 9, तो 3:2 क्या आया, 1। फिर समझ लो इसको, रेडियाई का रेशियो दे रखा है 3:1, तो मैंने बताया था रेशियो में एक को 3k और दूसरे को क्या ले सकते हैं, k, 3:4 होता तो एक 3k हो जाता, एक 4k हो जाता, तो यहाँ पे क्या है, एक 3k है और एक क्या है बेटा, k, हाइट का क्या है, 1:3, अब की बार x इन्वॉल्व कर लो k के अलावा, क्योंकि k तो हमने यहाँ यूज कर लिया, y यूज कर सकते हैं, z यूज कर सकते हैं, अलग कोई भी ले लें हम, तो ये क्या हो जाए, 1x और ये 3x, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h, इसका r कितना है, 3k, h कितना है इसका, x के बराबर, इसका r कितना है, k, और इसका h कितना है, 3x, फार्मूले के अंदर रख दिया, ठीक है, ये 3k का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, 3 का स्क्वायर 9 k² x से x कट ही गया था, 3 बच गया, यहाँ k स्क्वायर भी कट जाएगा, तो 3 पे फिर कट रहा था, 3:1। 21 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 units इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब ये कहता है कोई भी, ये x एक्सिस होता है तुम्हारा, ये क्या होता है बेटा, y एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की जहाँ काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजन। एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या होता है, एक्स कोमा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और वाई पे एनी पॉइंट क्या होता है, जीरो कोमा वाई। अब इसने जो पॉइंट बताया ये क्या बताया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ये नीचे है, तो इधर कितना चलना है तुमने, 4। तो एनी पॉइंट ये क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट 0 और नेगेटिव डायरेक्शन में चले हैं तो माइनस का 4, तो पॉइंट क्या हो गया, 0 - 4, 0, -4 सी हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉइंट क्या होता है, 0, 4। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते तो क्या होता, 4, 0। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में चलते तो क्या होता, -4, 0, ठीक है। उसके बाद कहता है हाउ मैनी जीरोज आर इन, 1, 2, 3, 4 और 49, 50। तो इसमें कहता है कितनी जीरोज होंगे, जीरोज कौन कौन देंगे, 2 देगा, 2 के फैक्टर किस किस में आएंगे, 4 में आएगा 2 × 2, 6 में आएगा, उनको लिख लें, 2 और 5 जिन जिन में आएगा उन संख्याओं को लिख लो, क्योंकि 5 × 2 = 10 ऐसे होता है। तो 2 में आएगा, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12, 14, 16, कितने हो गए, इवन नंबर कितने हो गए, 1 से 50 के बीच में 25, तो 25 तो हमारे पास 2 के हो गए, 2 की पावर 25 आएगी। और 5 किन किन में हो गए बेटा, जितने 5 बनेंगे उतने, एक तो 5 हो गया खुद, एक 10 में आएगा, एक 15 में आएगा, और किस में आएगा, एक 20 में आएगा, एक 25 में आएगा, एक 30 में आएगा, एक 35 में आएगा, एक 40 में, एक 45 में, और एक 50 में। तो पहले तो जीरो सीधे निकालो, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 और 5, 0। 5 तो जीरो हो गई है जो सीधी जीरो आई है। अब जितने 5 के निकलेंगे उतने 2 के यहाँ से आएंगे, 1, 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 1, 1 है सब में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 जीरो और, तो 10 ये और 5 ये, तो 15 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, तो क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, और कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। 23 में यू आर गिवन द 5 नंबर्स पी क्यू आर एस टी, इफ एवरेज ऑफ पी एंड टी इज 7। पी और टी का एवरेज या मीन एक ही बात होती है, वो कितना है, 7 है, तो पी प्लस टी कितना हो गया, 14। पी भी 7 है, टी भी 7 है, तो 7 या 2 का मीन 7 है, तो 2 से गुणा कर दो, टोटल कितना हो जाएगा उनका, 14। एवरेज ऑफ क्यू आर एंड एस इज 12, तो क्यू प्लस आर प्लस एस ये कितना हो जाएगा, इनका एवरेज 12 है और संख्या कितनी इनकी, 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 36। तो कहता है पांचों नंबर का एवरेज क्या होगा, तो पांचों का जोड़ निकाल लो, पी प्लस टी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, 36 में 14 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 50। मीन कैसे निकलेगा, 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा।
तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। पी और टी का मीन 7 था, तो पी प्लस टी कितना हो जाएगा? 7 × 2 = 14। 3 नंबर्स का मीन कितना था हमारे पास? 12 था। पी के ओ आर एस, के ओ आर एस का तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 12 × 3। 4 का मीन होता तो 4 से गुणा कर देते। टोटल कितना हो गया? सभी का मीन पूछ रहा है, पी प्लस टी प्लस के ओ प्लस आर, तो 36 और 14 का जोड़ दिया 50। 5 से भाग कर दो, क्योंकि मीन निकालने के लिए उनकी संख्या से भाग करते हैं। तो अब मैं एक 24वां क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा, बाकी तुमने खुद ट्राई करनी है। इसके 4-5 क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम शाम को देखेंगे। ए डाइस हैज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन फेसेस, 4 पोजीशंस आर शोन बिलो, द नंबर ऑन द अपोजिट टू द फेस नंबर 6। तो इनमें क्या करते हैं, अपोजिट नंबर निकालने का एक तरीका होता है बेटा। देखो पहली फिगर ले लो, 5 5 है ऊपर, तो 5 के सामने क्या क्या नहीं हो सकता? 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 के सामने 2 भी नहीं हो सकता। और अगली फिगर क्या बता रही है? पहली फिगर तो बता रही है 5 के सामने क्या क्या नहीं हो सकता, 6 और 3 नहीं हो सकता। अगली क्या बता रही है? 5 के सामने 2 और 4 भी नहीं हो सकता। तो क्या रह गया 5 के सामने? क्या है? 1। और देखो अब 3, 3 के सामने 5 और 6 नहीं हो सकते, ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है? 3 के सामने 4 और 5 भी नहीं हो सकते। 5 पहले ही है, तो 3 के सामने क्या रह गया? किसकी च्वाइस? 5 तो 1 के सामने हो गया, 3 के सामने 5 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, 4। तो 3 के सामने क्या गया? 2 हो गया, और बाकी 2 कौन से बच गए? 6 और 4। तो 5 के सामने 1 है, 3 के सामने 2 है, और 6 के सामने क्या है? 4। तो यहाँ इसने पूछा है विच ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 6, 6 के सामने क्या है? 4 वाला है। ठीक है बेटा, ऐसे करने हैं। आगे के क्वेश्चंस जो है तुमने खुद करने हैं, नहीं आएंगे मैं शाम को कराऊंगा, और शाम को हम 2019 का पेपर करेंगे। ठीक है, पीडीएफ मैंने डाल रखी है, अब जो सॉल्व करें इनकी भी पीडीएफ डाल दूंगा, और अपने फार्मूले रिवाइज करियो फिर एक बार।